नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बात करने जा रहे हैं सत्विशा नक्षत्र की, जो हमको 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री 0 मिनट तक कुंभ राशि में मिलता है। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र के घटक। सत्विशा राशि चक्र का 24वां नक्षत्र है, जो कुंभ राशि के तारामंडल में धुंधलों तारों के इस विशाल समूह के बीच स्थित है। यह कुंभ राशि में, जैसा मैंने पहले बोला, 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री 0 मिनट तक फैला हुआ है और इसका जो स्वामी है वो शनि है। इस राशि का स्वामी शनि है। सत्विशा देवताओं का वैद्य भी माना जाता है और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है 100 वैद्य, यानी 100 वैद्य। सत्विशा का दूसरा अर्थ है 100 तारे या 100 तारे। सत्विशा का स्वामी राहु ग्रह है, जिसे छायादार ग्रह माना जाता है। यह हमारे आपके कर्मों को सुधारता भी है। राहु राशि चक्र का सबसे रहस्यमय ग्रह है और इसे सहस्त्र कमल के साथ जोड़कर भी देखा जाता है, जो शताधिक तारों का निर्माण करता है। इस नक्षत्र का मूल और तृतीय गुण जो है सत्व है, मतलब प्रथम और तृतीय स्तर पर सत्व मिलता है, जबकि दूसरे स्तर पर इसमें हमको तमस मिलता है। तमस का मतलब होता है अकर्मण्यता या कुछ ना करना। सत्विशा का जो देवता है वो वरुण है और जो बुद्धि प्रदाता है उससे बुद्धि का बड़ा गहरा संबंध है। इस नक्षत्र मंडल की मूल प्रेरक शक्ति, हर नक्षत्र की एक मूल प्रेरक शक्ति होती है और इसकी जो है वो शक्ति है, मोटिवेशनल फोर्स है, वो धर्म अर्थात गौरव या सिद्धांत। नक्षत्र की पौराणिक कथा और इसका आकार। फूल या फ्लावर सर्वाधिक शुभ प्रतीक है, जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो हम प्रयास करते हैं उन प्रयासों का अभीष्ट फल है। इस अर्थ में सत्विशा के पुष्पित होने का अर्थ है कि उस लक्ष्य की प्राप्ति जिसके कारण हम एग्जिस्टेंस में आते हैं या अस्तित्व में आते हैं, यह उस सृष्टि का भी संकेत है या संकेत देता है जो पूरी तरह से खिली हुई है। शतदल पुष्प के खिलने का अर्थ है बहुआयामी विकास की प्रक्रिया की पूर्णता। हम मनुष्यों के लिए यह शतदल कमल या क्राउन चक्र से जुड़ा हुआ है। इस शक्ति को कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तभी मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होता है। उससे पहले तो आदमी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। सत्विशा का दूसरा अर्थ है सहस्त्र वैद्य, जो अमरता के दिव्य अमृत से भरे रहस्यमय कलेश को उड़ेलता है, यानी वो आपको एक नई चेतना की तरफ जोड़ता है। इन संदर्भों से पता चलता है कि सद्विशा समूचे मनुष्य को रूपांतरित करने में सक्षम है। इसका प्रभाव इतना होता है कि इससे व्यक्ति में एक मिशनरी जोश और उत्साह भर जाता है और वह अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के दुनियावी सुखों का आसानी से त्याग कर सकता है। सत्विशा का जो स्वामी है वो स्वामी देवता है वरुण, जो आरंभिक वैदिक देवताओं में से एक है। उसे ब्रह्मांड का असीम ज्ञान प्राप्त है, ऐसा वेदों में लिखा हुआ है, और वह संपूर्ण मानवता और पृथ्वी को एक साथ रख सकता है। उसे भगवान भी कहा जाता है। वेदों में लिखा है कि वह संपूर्ण मानवता और पृथ्वी को एक साथ रख सकता है। उसे भगवान भी माना जाता है, जिसने स्वर्ग में सुनहरी धूप बनाई, वह हवा बनाई जिसकी खुशबू उसकी सांसों में बसी हुई है। वह सच और झूठ को सही ढंग से तोल सकता है। उसने ऋषि वशिष्ठ को विश्व का रहस्य भी बताया था, जिसे कोई दूसरा आदमी नहीं जान सकता। वरुण के बारे में ऐसा भी कहा जाता है
कि प्रतिभा और दया की रहस्यमयी शक्तियों को नियंत्रित और निर्देशित करता है ताकि मनुष्य सत्विषा के प्रभाव से आसानी से अपना रूपांतरण कर सके और स्वयं प्रकाश की किरण बन सके। राहु इस नक्षत्र मंडल का स्वामी है जो अपने चक्र के चारों ओर फैली छह रहस्यमयी शक्तियों को नियंत्रण करता है। गुण और प्रेरक शक्ति। सत्विषा का प्राथमिक और तृतीय गुण तो सत्व है, लेकिन द्वितीय स्तर पर यहाँ तमस या अकर्मण्यता है। यदि हम किसी भी दृष्टि से सत्विषा का विश्लेषण करें तो एक चित्र मन में साफ दिखाई देता है कि सत्विषा पूर्णता को दर्शाता है। सहस्त्र तारों का प्रतिनिधित्व करने वाला सहस्त्र दल पुष्प यह संकेत देता है कि मनुष्य और प्रकृति दोनों में पूरी तरह से खिलने की क्षमता है। प्रकृति के संदर्भ में यह प्रक्रिया अपने आप ही संपन्न होती रहती है क्योंकि यह मनुष्य के समान प्रदूषित नहीं है, पोल्यूटेड नहीं है, जबकि मनुष्य अपनी विचार प्रक्रिया के कारण प्रदूषित हो जाता है, हो ही जाता है। प्रकृति की शुद्धता संसार में कहीं भी देखी जा सकती है, लेकिन मनुष्य के संदर्भ में ऐसा कम ही होता है और ऐसा कम देखा भी जाता है कि कोई भी मनुष्य पूरी तरह से कभी खिला हो या ज्ञान से आलौकिक हुआ हो, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी अगर कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए, जो कि बहुत कम जागृत होती है, कदाचित जो तमस गुण है मध्य में वो हावी तो रहता है, उसकी जागृति में बहुत बड़ी बाधा भी है, परंतु यह नक्षत्र उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर प्रदान करता है जो अपने तमस गुण की नकारात्मकता को भेद कर आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं। एक और ख़ास बात है कि इस नक्षत्र मंडल की जो प्राथमिक प्रेरणा है, मोटिवेशनल फोर्स है, वो धर्म है। अगर कोई धर्म के मार्ग पर चलता है तो इसका जो बुद्धि प्रदाता है वरुण देवता मनुष्य की आत्मा को आंतरिक शुद्धि दे करके अंतरिक्ष में ऊंचे स्तर पर लेके जा सकता है। अब हम बात करते हैं नक्षत्र के गुण और व्यक्तित्व। सबसे पहले आपकी ताकत। सत्विषा राहु शनि का समन्वय प्रारंभिक बाधाओं के बावजूद एक बहुत ही खूबसूरत समन्वय स्थापित करता है। आपको जिनका ये नक्षत्र है एक ऐसी प्रतिभा की रहस्यमय शक्ति प्रदान करता है जो आपको पूरी तरह से रूपांतरित करने में सक्षम है। आपके व्यक्तित्व का जो मूल उद्देश्य है वो बड़ा रिवोल्यूशनरी है, क्रांतिकारी है, और आपको उस क्रांतिकारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर आपको रहस्यमय ज्ञान प्राप्त होता है। जब आपको स्वयं ज्ञान प्राप्त होता है तो आप चाहते हैं कि जो आपके आसपास हैं उनको भी ऊपर उठाया जाए और उसमें आप अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं और आप में इतना ज़बरदस्त जोश होता है और आप तब तक चैन से नहीं बैठते जब तक कि आप अपना पूरा जो आपका नज़रिया है वो दूसरों को समझा नहीं देते। आपका मानना है कि मैं अकेला अगर जाना तो क्या जाना, मैं औरों को भी जनवा सकूं तब बात है। अक्सर आप दुनिया के भावी विचारों को लेकर जन्म लेते हैं। आप पुरानी ज़िंदगी के आधार पर नई ज़िंदगी का सृजन करने के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं और आपका सोचने का ढंग भी अपना ही है। ऐसा कह सकते हैं कि आप एक बहुत अच्छे विचारक हैं और आप बहुत व्यावहारिक भी होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। सबसे पहले आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और फिर व्यक्तिगत संतोष या आत्मगौरव के बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं कि पहले से ही आप आत्ममुग्ध हो जाएं। आप उस फूल की तरह होते हैं जिसकी खूबसूरती और सुगंध प्राइमरीली दूसरों के लिए होती है, ना कि आपके लिए। ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज है जीने का। एक व्यवहारिक व्यक्ति होने के नाते आप अपनी व्यक्तिगत छवि के लिए बहुत चिंतित रहते हैं और सामाजिक होते हैं और दुनिया को बदलने के तौर तरीके के अनुरूप
अपने को ढालने के लिए तैयार भी रहते हैं, जैसा चल रहा है ऐसा भी चलाते हैं, लेकिन भीतर कुछ और सोचते हैं। आप जानते हैं एक और बात, आप जानते हैं कि मजबूत शरीर के बिना मजबूत दिमाग प्राप्त नहीं किया जा सकता, और अगर आप इस दुनिया में कुछ विशेष करना चाहते हैं तो आपका शरीर और आपका दिमाग दोनों मजबूत होने चाहिए। आप अपनी चेतना के विकास के लिए इस तरह का प्रयास करते रहते हैं। कभी कभी आप खुद पर भी बहुत सारी पाबंदियां लगा लेते हैं ताकि आपका व्यवहार एकदम संयत रहे और आप कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर काम करते हैं। ये बहुत खास बात है, और आपका जो मिशनरी जोश है और जो उत्साह है वो आपको आसानी से मंजिल की ओर आगे बढ़ने में सहायक हो जाता है। और आपका यह भी पक्का विश्वास है कि अनंत ब्रह्मांड ज्ञान और ऊर्जा से भरपूर है, और यह उस हर व्यक्ति पर वर्षा करने के लिए उद्यत है, तैयार है, जो उसे लेने को तैयार है। और आप जानते हैं कि यह हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसे इस ब्रह्मांड से लाभ लेना चाहिए, और यह जो आपका नज़रिया है ये आपको आसानी से औरों से अलग कर देता है, और इसके कारण आपका व्यक्तित्व एक विशाल व्यक्तित्व हो जाता है। अब हम बात करते हैं आपकी कुछ कमजोरियों की। आपके व्यक्तित्व का जो दूसरा पहलू है वो है अकेलापन और अवसाद। कभी कभी आपको लगता है कि ज़िंदगी का मतलब सिर्फ ड्यूटीफुल होना है और अपने पर पाबंदियां लगाना चाहिए और उसको बहुत कठिनता से पालन भी करना चाहिए, और इसके लिए आप फिर खामखां तकलीफ सहते हैं और कई बार बेपरवाही से काम भी करते हैं, और इससे आप बिना बात के मुसीबत मोल लेते हैं। इसका कहीं ना कहीं ताल्लुक आपके बचपन से है। ऐसा लगता है कि आपका जो बचपन है काफ़ी तकलीफ़ों से भरा हुआ था, अस्थिर था, और उसका जो प्रभाव है वो आपके स्मृति पटल पर काफ़ी लंबे समय तक रहता है, जिसके कारण कभी आप कर्कश हो सकते हैं और बड़ी कड़वी ज़बान भी आपके लिए समस्या पैदा कर सकती है। अगर आप इन सारी चीज़ों को पर नियंत्रण कर सकें तो आपके व्यक्तित्व में एक बहुत ही खूबसूरती बात है, और सत्विशा इस तारामंडल का, राशि चक्र का बहुत ही बढ़िया नक्षत्र है, और यहाँ ये आपके उत्थान के लिए इसमें बहुत सारी गुंजाइश है। बहुत जल्द हम नक्षत्र मेडिटेशन या नक्षत्र ध्यान शुरू करने वाले हैं, और जो भी आप में से इंटरेस्टेड हैं हमारी वेबसाइट पर या हमारी जो फ़ोन है उसके थ्रू हमसे संपर्क साधें, और फिर हम आपको बताएंगे। कुछ तो हम ऑनलाइन करेंगे और कुछ हम आमने सामने करेंगे, क्योंकि अब कोरोना का उतना प्रकोप नहीं है। हम चाहेंगे कि नक्षत्र से या नक्षत्र मेडिटेशन से कैसे लाभ लिया जाए और कैसे ब्रह्मांड से कनेक्ट हुआ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्व विख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के यूट्यूब चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।